योग आप सभी का हमारे चैनल योगा इस लाइव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। योग मित्र मंडल के द्वारा सिद्धामृत योग क्रिया कराई जा रही है, जिसमें श्री सतीश दुबे जी द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत क्रिया है ये। इसमें सूर्य की किरणों से हम अपनी ऊर्जा और शक्ति ग्रहण करते हैं और उससे कई लाभ प्राप्त होते हैं। कई तरह की बीमारियाँ इससे ठीक होती हैं और इससे शारीरिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है और पूर्ण शांति का अनुभव होता है। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही फायदेमंद है। तो दुबे जी अभी इसका प्रारंभ करा रहे हैं, तो हम आइए वहाँ पर प्रस्थान करते हैं और इस क्रिया का लाभ प्राप्त करते हैं। योग मित्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा और मेरे साथी सचिव आलोक पंडित जी एवं हमारे प्रणेता बुजुर्ग और साथ ही साथ हमारे गुरु श्री डॉक्टर राजेंद्र पंडित जी के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं एवं योग मित्र मंडल द्वारा चलाई जा रही योग की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहता हूं। योग मित्र मंडल महादेवी वर्मा पुस्तकालय जो बॉम्बे बेकरी के पास में है और बीजेपी कार्यालय के पीछे की ओर स्थित है, यहाँ पर नियमित योग की कक्षाएँ एवं नियमित योग की क्लासेस चलती रहती हैं और ये सारा का सारा कार्य हम लोग निःशुल्क भाव से एवं सेवा भावनाओं के दृष्टिकोण से करते हैं। तो अभी आज सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग का समापन हुआ है, जो कि 7 दिवसीय सिद्धामृत सूर्य की किरणों से हम इस प्रकार से अपने जीवन को आनंददायी बना सकते हैं और सूर्य की किरणें हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं, इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए उसकी साधना कैसे करी जाए सरल एवं सुंदर तरीके से हमारे इस कार्यक्रम को संचालित किया। हमारी ही संस्था के भाई श्री सतीश दुबे, उन्होंने 7 दिनों तक लगातार इस संस्था को इस मार्गदर्शन इस बारे में दिया है। अब मैं आलोक पंडित, योग मित्र मंडल का सचिव। योग मित्र मंडल गत 25 वर्षों से योग के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रहा है। संस्था की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर हुई थी, लेकिन आज एक विशाल का धारण करके रहे हैं। किस तरह से आज हमारा सिद्धामृत सूर्य क्रिया योग शिविर का समापन हुआ है। 7 दिवसीय यह शिविर निःशुल्क रूप से रखा गया था, जिसमें प्रतिदिन लगभग 80 से 90 साधकों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करा और सूर्य भगवान के साथ में आराधना करके अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करा। हमारा योग मित्र मंडल एवं साईनाथ योग केंद्र के द्वारा एक और शिविर चल रहा है, मोटापा निवारण शिविर। उसमें प्रशिक्षण मैं खुद स्वयं अभय भालेराव दे रहा हूँ और हमारे योग मित्र मंडल के कई साथी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। करीब 70-80 लोग वहाँ पे भी निर्बाध रूप से सेवाएं ले रहे हैं और अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। करीब करीब 10 दिन के शिविर के अंदर कल समापन है, लेकिन आज 4-5 जनों का रिजल्ट ऐसा आया है कि कम से कम उनके 6 से 7 किलो वजन कम हुआ है, किसी के इंचेस कम हुए हैं और उसका पूरा 100% लाभ मिला है। उसमें हमने शक्तिबंध के आसन का प्रयोग किया है, सूर्य नमस्कार के आसन का प्रयोग किया है, प्राणायाम, कपालभाति और अन्य क्रियाएं हमने करवा के उनका बहुत ही लाभ प्राप्त होने के बाद सारे के सारे तो अभी भी एक्सटेंड करने के लिए बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन समय की कमी के कारण कल समापन करेंगे, उसमें सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हमारे माननीय श्री सतीश दुबे जी का स्वागत करें, हम सब अभिनंदन करते हैं उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। वे दीर्घायु हों, चिरायु हों, आनंद करें अपने जीवन में, सूर्य की साधना के साथ अपने जीवन को आनंदित बनाते रहें। आप सबको हमको मार्गदर्शन देते रहें, यही कामना के साथ में जोरदार तालियां। सर बोले डिवर्ट करा।
एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम की बधाई बता दी आप सबको शुभकामना गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हे प्रभु आनन्ददाता ज्ञानहं को दीये शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने ब्रह्मचारी पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते ॐ शान्ति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा शुकदुःखभाग्यवे ॐ सहनानवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति 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 उथली सांस लेते हैं हम पूरी सांस नहीं लेते ले पाते हैं जैसे कोई बच्चा छोटा बच्चा पैदा होता है जैसे बच्चा पैदा होता है सांस लेता तो नाभि से लेके पूरे शरीर में पैर के अंगूठे और सिर तक कंपन होता है और तब वो भरी पूरी सांस लेता है तो उसके शरीर मन प्राण और बुद्धि का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही कोई सांस किसी इंद्रिय से बाहर हो जाती है नाभि मूल को छोड़ती है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे हम काम उम्र बढ़ती जाती है काम क्रोध लाभ में हम संयुक्त रहते हैं उसमें लगे रहते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि हम कब सांस ले रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग जिम जाते हैं जिम में काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं अधिक से अधिक ऑक्सीजन लेते हैं काफ़ी ले लेते हैं तो उससे पूरे ऑक्सीजन को उसको हजम नहीं हो पाती है। जो फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं बीमारियों का घर होते हैं उनके भुजाएँ उनके बल्ले तो बन जाते हैं शरीर काफ़ी शक्तिशाली होता है और वो पूरी ऑक्सीजन पचा ना पाने के कारण बीमारियों का घर रहती है ऑक्सीजन। जैसे अपन ज़्यादा खा लेते हैं तला गला तो आप फैट जमा हो जाते हैं फैट यहाँ नितंबों पे जमा हो जाते हैं शरीर से अगर ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो वो भी हमें नुकसान करेंगे। हम बराबर ऑक्सीजन ले पाएँ बराबर अपने फेफड़ों की कार्य क्षमता का उपयोग कर सकें इसके लिए स्वामी जी ने एक संजीवनी क्रिया का प्रादुर्भाव सृजन किया है। संजीवनी क्रिया का मतलब पैरों के नाखून से लेकर सिर तक पूरे शरीर में नाभि मंडल से लेकर सूर्य मंडल तक एक एक अंग में एक शरीर के एक एक अंग एक एक कोशिकाओं में प्राणवायु का संचार करना है। जब शरीर के एक एक अंग में प्राणवायु का संचार होगा तो आपके जोड़ सभी लचीले होंगे मांसपेशियाँ सशक्त होंगी। इस क्रिया को हर कोई कर सकता है चाहे वो बालक हो वृद्ध हो बीमार हो बूढ़ा हो हर परिस्थितियों में दिन के महीने के 300 दिन किया जा सकता है। आपकी जो इंद्रियां बहिर्गमन है सांसों का प्रवाह बहिर्गमन है इस क्रिया को करने से सांसों का प्रवाह अंतर्मुखी होता है सुषुम्ना में प्रवाह होता है आपकी कुंडली शक्ति का जागरण होगा तनाव क्रोध चिंता अवसाद सभी दूर होते हैं। किसी किसी की समानता देखा गया है कि कमर झुक जाती है इससे बुढ़ापे का वेग बीमारियों का वेग नहीं आएगा और कमर सीधी रहेगी। सबसे ज़्यादा इस क्रिया का लाभ है इस क्रिया करने से आदमी दीर्घायु होता है। हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वार्धक्य की सीमा में पहुँचते हैं सांस लेते हैं छोड़ लेते हैं फिर छोड़ते हैं सांस ज़्यादा लेते हैं और सांस कम लेते हैं और छोड़ते ज़्यादा हैं। एक अवस्था ऐसी आती है कि दोनों में अंतर बढ़ता जाता है और सांस अंतर आ नहीं पाती है तो सांस अंदर नहीं आएगी तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण ही सांस है तो इस क्रिया से सांस और प्रश्वास दोनों बराबर होंगे और आप दीर्घायु होंगे। और सांस प्रश्वास कैसे बराबर होंगे जब आप क्रिया करेंगे तो सांस लेने
और सोने का समय बराबर रहेगा। जैसे हम यहाँ लोग सुबह 3-4 बार हंसते हैं, उस दिन तो लगातार आप हंसेंगे तो आप दिन में अपने दैनिक जीवन में भी हंसना प्रारंभ कर देंगे, छोटी छोटी सी बातों में आपको हंसी आने लगेगी। तो संजीवनी क्या करने के पहले अपन उसकी कुछ सहायक क्रियाएँ करते हैं, शरीर को तैयार करते हैं, जैसे आसन करते हैं और बारहवीं क्रियाएँ करते हैं, तो संजीवनी क्रिया करने के पहले भी हम कुछ सहायक 3 सहायक क्रियाएँ करेंगे। दोनों पैरों में दूरी बना लीजिए कंधे के बराबर, दोनों पैर समानांतर, पूरे शरीर का भार दोनों पैरों में समान रूप से घायल कर लीजिए, दोनों हाथ सिर के ऊपर लाइए, कलाइयों को ढीला छोड़ दीजिए, चलाइए तेज चलाइए, हाथ की उंगलियों से लेके आपके पैर की उंगलियों तक कंपन आना चाहिए, आंखों को बंद कर लीजिए, इसको 1 से 1.5 मिनट करना रहता है। आंखों को आगे पीछे दाएं बाएं चला दीजिए, क्रिया को विश्राम दीजिए, हथेली प्यारे कंपन को अनुभव करते हुए अपना ध्यान हथेली पे लगाते हुए शरीर के एक एक अंग को एक्टिवेट करेंगे। पहले सिर्फ सिर पकड़िए, ध्यान हथेली पर लगा के रखिए, पूरा ध्यान हथेली पर, आंखें बंद रखेंगे, गर्दन को थपथपाइए, मस्तक गांव को थपथपाइए, सीना थपथपाइए, पेड़ को थपथपाइए, अब गंगा को थपथपाते हुए झुक के जाइए, पंजे तक जाइए, शरीर के पृष्ठ भाग को कुंडली को थपथपाते हुए शरीर को सीधा कर लीजिए, कमर थपथपा लीजिए, पेड़ को थपथपा लीजिए, चलेगी और बाएं कान में सोने वालों की दाएं नासिका तेज चलेगी। स्वर शोधन बोलते हैं, प्राणायाम की भाषा में स्वर शोधन बोलते हैं, स्वर शोधन करने से दोनों नासिकाएं आपकी बराबर चले, दोनों नासिका से बराबर सांस आएगी और बराबर जाएगी, क्योंकि सांस प्रश्वास की क्रिया है, अतः स्वर शोधन बहुत आवश्यक रहता है। स्वर शोधन करने के लिए अंगूठा कंठ पे लगाइए, पहली उंगली उंगलियों को मिला लीजिए छुट्टी के, पहली उंगली नासिका के ऊपर, बाकी उंगली को मिला लीजिए, अब दाएं उंगली ऊपर ले जाएंगे तो आपकी दाएं नासिका खुलेगी, दाएं से सांस लीजिए, सांस को छोड़ते दाएं उंगली नीचे लाएंगे, दाएं नासिका बंद, अब बाएं उंगली को ऊपर ले जाएंगे, बाएं नासिका खुलेगी, बाएं से सांस लेंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे, बाएं नासिका बंद, फिर दाएं नासिका से करेंगे, प्रारंभ कर लीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुंह से प्रश्वास करते झुके जाएं, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, मुंह से प्रश्वास करते सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मुंह से प्रश्वास करते हुए नीचे हंसते हुए जाएंगे, हंसते हुए जाइए, क्रिया को विश्राम दीजिए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, खूब हाथों को सलाह दीजिए,
इस क्रिया को 20 बार करना रहता है, 21वीं बार में अंतः कुंभक और बाह कुंभक, अभी हम 10 बार कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाए आप इसको 20 बार 40 बार आगे क्रिया को बढ़ाते जाएंगे। दूसरी क्रिया में दोनों पैर पास पास कर लें, एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कोहनी से मोड़ें, कंधे के बल स्थापित, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, मुट्ठी खुलेगी, पंजे के बल आएंगे। जो लोग पंजे के बल नहीं आ सकते, संतुलन बिगड़ता है, नलियों को जमीन पर रखेंगे, चलिए आंखें खुली रखेंगे, संतुलन बिगड़ेगा। अब सांस भरे दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, पंजे के बल आइए, पूरा रेचा, 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 लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा रेचा, हाथों को सला लीजिए, भुजाओं को सला लीजिए, तपा लीजिए, रेचा, पूरा 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 रेचा, लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा क्रिया करने का उद्देश्य रहता है। जो सांसों का प्रवाह होता है हमारे यक्ष भाग पे होता है, लेटने से हथेली के ऊपर, हथेली उसके ऊपर मस्तक स्थापित कीजिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, एड़ी मिला लीजिए और पैरों को बाहर, पंजे बाहर सुला लीजिए, एड़ी अंदर पंजे बाहर, आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान मंत्र पे लगाइए। अब रेचा, पूरा 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 रेचा, रेचा। दूसरी क्रिया में दोनों पैरों को मिला लीजिए, पंजों को मिला लीजिए, अड़ी पंजों को और सुला लीजिए, ठुड्डी को हथेली के ऊपर लगाइए जैसे सर्वासन में करते हैं। अब सांस भरते हुए दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे, एड़ियों को नितंब हित से लगाने का प्रयास करेंगे, प्रश्वास करते पुनः पंजा जमीन पर, आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान भूमध्य पे लगाइए और प्रारंभ करेंगे, पूरा रेचा, 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 पूरा रेचा। इसी क्रिया की तीन पोजीशन है, सबसे जो सरल पोजीशन है यहीं पर लेटे हुए नमस्कार मुद्रा बना लें। दूसरी पोजीशन पे माजरी आसन, घुटने के बल आए, घुटने और हाथ जमीन पर लगाएं, हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लीजिए, पैरों को अधिक से अधिक चौड़ा कीजिए, पेट सीना और मस्तक जमीन पर लगाइए, हाथों की नमस्कार मुद्रा, आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान भूमध्य पे लगाइए और प्रारंभ कीजिए, पूरा रेचा, 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 लंबा गहरा सांस भरेंगे,
हंसते भी बैठ जाइए, तीन के बैठ के करेंगे। अंगूठा अंगली आगे, अंगूठा पीछे, हाथ कंधे के सीन में, सांस भरेंगे कंधे पीछे जाएंगे, आपका सीना विस्तारित होगा, प्रश्वास करेंगे संकुचित, आंखों को बंद कर लीजिए, आंखें बंद, ध्यान पद पर लगाइए और प्रारंभ करेंगे। पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, सांस भरते हुए सीना विस्तारित कीजिए, प्रश्वास करते हुए संकुचित, सांस भरते सीना विस्तारित, प्रश्वास करते संकुचित, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, समझ आया सांस, पूरा नाभि को पलाइए, पहले बाई हथेली, दाई हथेली, इसमें जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, विस्तारित होगा, प्रश्वास करेंगे संकुचित, आंखों को बंद कर लीजिए, अपने ध्यान को भूमध्य पर लगाइए, सांस और प्रश्वास का समय बराबर रखते हुए पहले संकुचित कीजिए, पहले पेट को अंदर ले जाइए, प्रश्वास कीजिए, अब सांस भरते पेट को विस्तारित करेंगे, प्रारंभ करेंगे, पूरा से लगाएंगे, प्रश्वास करते पुनः गर्दन पीछे, जिनके कंधे दर्द करें हाथ को नीचे ला के क्रिया को कर सकते हैं, केवल गर्दन का मूवमेंट करेंगे, आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान भूमध्य पर लगाइए, आरंभ करेंगे, सांस भरते हुए गर्दन को नीचे लाइए, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, पूरा रेचा, लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरा रेचा, अब हाथों की जान मुद्रा बना लीजिए, शरीर को सीधा कर लीजिए, अंगूठे के जोड़ों पहली उंगली को मिला, अंगूठे से पहली उंगली को मिला लीजिए, हाथ घुटने के ऊपर स्थापित, हथेली की दिशा आकाश की ओर, आंखें कोमलता से बंद, सामान्य सांस प्रश्वास, पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पे लगाते हुए अपने शरीर को शिथिल कर लीजिए, पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पर, अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पे लगाइए और सांस प्रश्वास को देखते जाइए, इसको आने दें, जिस गति से जा रही है उसको जाने दें, पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पर, न सांस लेने का प्रयास, न सांस छोड़ने का प्रयास, न सांस रोकने का प्रयास, केवल और केवल साक्षी भाव, निष्ठा भाव से सांसों के आवागमन को देखते जाएं, निरीक्षण करते जाएं, अवलोकन करते जाएं, पूरा ध्यान, पूरा ध्यान, यह को समाप्त करेंगे, उसके बाद आता है अनुलोम विलोम, नाली से प्राणायाम है, इससे आपके शरीर में जाए हुआ कोलेस्ट्रोल जो भी मतलब बाहर हो जाता है, इसका वो करने से अंगूठे के जोर में एक मात्रा में सांस को छोड़ेंगे, जिससे सांस छोड़ना है उससे सांस लेंगे एक मात्रा में, वो विपरीत नाचिका से छोड़ेंगे, सिंपल सी क्रिया है, अंगूठे से बाई नाचिका का संचालन होगा, दाएँ नाचिका का, दो अंगुलियों से बाई नाचिका का, सामान्यतः बाएँ नाचिका से सांस लेते हैं, दाएँ नाचिका को बंद कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बाएँ नाचिका से सांस लीजिए,
बाई नाश्ता को बंद करके अब दुगने समय में आहिस्ता आहिस्ता सांस को छोड़िए, प्रश्वास कीजिए। अब दाएं नाश्ता से छोड़ा है तो दाएं से सांस भरें एक मात्रा में, पाँच गिनती तक सांस भरिए। दाएं नाश्ता बंद, बाएं से दुगने समय में प्रश्वास कीजिए, सांस को छोड़िए दस गिनती तक। अब बाएं से सांस को छोड़ा है तो बाएं से सांस भरिए पाँच गिनती तक, दाएं से छोड़िए दुगने समय में अर्थात दस गिनती तक। अब दाएं से सांस को छोड़ा तो दाएं से सांस को भरिए पाँच गिनती तक। अब दाएं से सांस को छोड़ा तो दाएं से सांस भरिए एक मात्रा में अर्थात पाँच गिनती तक सांस भरिए। विपरीत नाशिका अर्थात बाई नाशिका से दुगने समय में सांस छोड़िए, प्रश्वास कीजिए, क्रिया को विश्राम दीजिए। पाँच बार का एक चक्र होता है, इसको 16 चक्र करना है और दिन में नाड़ी शोधन प्राणायाम दिन में 4 बार करना रहता है। अब ध्यान मंडल में प्रवेश करेंगे। जो मंडल में किसी प्रकार की अकड़न जकड़न तनाव खिंचाव न आए इस बात का ध्यान रखें। मन ही मन कल्पना करते जाएं हमारे शरीर के एक एक रोम एक एक कोशिकाओं में प्राणवायु का संचार हो चुका है। हमारा शरीर एवं मन दोनों ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, लबालब भरे हुए हैं। हमारे सीने के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ प्राणवायु ही प्राणवायु है। मन ही मन ऐसी कल्पना करते जाएं, गर्दन को दाएं बाएं घुमंड करें घुमाएं, गर्दन में किसी प्रकार की अकड़न जकड़न तनाव विचार न आए इस बात का ध्यान। सांस प्रश्वास सामान्य रहे, आंखों के माध्यम से क्रिया को विश्राम रही है प्रविष्ट करा। इसके बाद स्वागत होता है। हमारे नाभि पे भी सूर्य है और ब्रह्मांड में सूर्य है। जब सूर्य किरणें शरीर में प्रविष्ट होती हैं तो दोनों सूर्य का ब्रह्मांड का सूर्य और पिंड का नाभि के सूर्य का मिलन होता है, शक्ति का जागरण होता है। शरीर के आपके सभी रोग दोष विकार दूर होते हैं। सूर्य ही ऊर्जा के मूलभूत स्रोत हैं, विश्व के जीवन का आधार हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सूर्य से पेड़ पौधे भोजन और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तैयार करते हैं। सूर्य से ऋतु परिवर्तन होता है। सूर्य से ही हमारे दिन का तापमान नियंत्रित होता है। सूर्य से ही हमें ऊर्जा और उत्साह मिलता है। वेदों में भी सूर्य की महत्ता लिखी गई है। हृदय रोग कुष्ठ और पीलिया में डॉक्टर लोग भी सूर्य साधना बताते हैं कि सूर्य का सेवन करना चाहिए। वैज्ञानिक लोग भी मानने लगे हैं कि जब सूर्य के प्रकाश से हम भोजन दवाइयां औषधियां तैयार करते हैं तो अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो भूख और प्यास में भी विजय पाई जा सकती है। कई वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि सूर्य क्रिया करने से, सूर्य की किरणों का सेवन करने से आपका हृदय सशक्त होगा, रक्त का संचार तेजी से होगा, आपका रक्तचाप नियमित होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, चिंता क्रोध अवसाद दूर होगा, त्वचा संबंधी चर्म रोग दूर होंगे, टीबी